नमस्कार जी, कैसे हैं आप? जय माता दी। दोस्तों, अमावस्या आ रही है, 13 जून की है, बुधवार का दिन है। इस दिन जरूर श्री नारायण कवच अवश्य सुने। दोस्तों, इसे सुनने से आपको ऐसा लगेगा कि भगवान चारों तरफ से आपकी रक्षा कर रहे हैं, चारों तरफ से आप सुरक्षित हैं। दोस्तों, राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिणी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीत कर त्रिलोकी की राज लक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को सुनाइए और यह भी बताइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्व रूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रसन्न करने पर विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया, तुम एकाग्रचित से उसका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर भी नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। इसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुख करके बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अग्न्यास तथा अंगुष्ठादि करन्यास करें। पहले ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्ष स्थल, मुख और सिर में न्यास करें अथवा पूर्वोक्त मंत्र के यकार से लेकर ओंकार तक 8 अक्षरों का सिर से आरंभ कर उन्हीं 8 अंकों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस दादाक्षाक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाई तर्जनी से बाई तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का व्यारंध्र में, शा का भवों के बीच में, णा का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों और ना का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम मा अस्त्राय फट कहकर दिग्वंद करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तद्रूपी चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अरिमा आदि 8 सिद्धियाँ उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं।
वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले बावन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्ठास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले जंगल रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाणों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति बारह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से अहिग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपत से जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक दंदों से यज्ञ भगवान लोकापवाद से बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण देवपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्म आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्स लाचन श्री हरि उषाकाल में खड़गधारी भगवान जनार्दन सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आप वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती हैं, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीर्घ से शीर्घ जला दीजिए।
जला दीजिए। कौमुद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वर्ज के समान असह है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और उनका सेवक हूँ, इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मार्तका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की शेष तलवार आपकी धार बहुत तीच है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चक्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूम केतु, कुशल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाणों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पानी जो पापी प्राणी से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्ठास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्व राज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठ कर निकले। वहाँ आते ही वे नीचे की ओर सिर के विमान सहित
आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्रय की पराकाष्ठा न रही। जब उन्हें बाल के लिए मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शत्रुकेतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से या वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में अस्त्रों को जीत लिया और वे त्रिलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। धन्यवाद।